नमस्कार प्यारे साथियों, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज करंट अफेयर्स की रटलो सीरीज का पांचवा हिस्सा लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। पहले चार हिस्से जो शनिवार तक हुए हैं आप लोगों ने लगातार देखा और हम लोगों ने 200 महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है। अगर हम देखें तो देखने में और गिनती में तो वो 200 प्रश्न है, लेकिन व्याख्या सहित देखें तो लगभग 600 करंट अफेयर्स के प्रश्नों की जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है और लगभग लगभग जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न हैं वो लगातार आपसे के पास पहुंच रहे हैं। आज पांचवें हिस्से के साथ मैं आपके साथ हूं। संस्था की तरफ से यूपीएसआई का बैच कल अनाउंस कर दिया गया है। जो भी सदस्य, जो भी लोग आपके आसपास रहते हों, हमारे बैच में पढ़ने वाले जो भी सदस्य हों, आप लोग जो टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को देखने वाले जो भी सदस्य हैं, यूपीएसआई की एक सशक्त टीम के साथ हम लोगों ने बैच को अनाउंस किया है और जल्द ही 2-3 दिन आपके एडमिशन है और इसके बाद जल्द ही उसमें पढ़ाई लिखाई आपकी शुरू हो जाएगी। तो जिन भी सदस्यों को यूपीएसआई में एडमिशन लेना है वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबरों पर फोन करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित करा सकते हैं। एक और तरीके से आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आइए आज की रटलो सीरीज का प्रारंभ करते हैं इसी जानकारी के साथ। नीचे आप देख रहे हैं कि स्क्रॉलिंग में एक पट्टी भी चल रही है और उस पट्टी पर भी यूपीएसआई से संबंधित बैच की सूचनाएं प्रेषित हो रही है जो आपको उस बैच से जोड़ सकती है। पांचवा हिस्सा है यूपीएसआई। एक और आसान प्रक्रिया है यूपीएसआई में ऐड होने के लिए, आप अपने मोबाइल पर यह नंबर सेव कर लीजिए और इस नंबर को सेव करने के बाद आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए यूपीएसआई एंट्री लिख के। जैसे ही आप इस नंबर पर यूपीएसआई एंट्री लिख के व्हाट्सअप करेंगे आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे, आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। तो बहुत आसान प्रक्रिया है, एक सशक्त टीम, एक सशक्त जो है मनोदशा, एक बहुत अच्छे मटेरियल, अच्छी टेस्ट सीरीज के साथ बहुत कम शुल्क में आप लोग हम सभी से जुड़ सकते हैं, ये नंबर है। आइए आज प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में आप लोग उत्तर करेंगे, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया जिसका नाम है, बताइए इन चार में से कौन सा नाम है। जब मैं आपको क्लासरूम में डिस्कस कर रहा था तो मैंने इसके बारे में आपसे पूरी चर्चा की थी, उसका नाम है जल सुरक्षा अभियान, जल संरक्षण अभियान, जल शक्ति अभियान, जलारोपण संचयन अभियान। बताए तो इसका नाम क्या होगा, बताइए। तो आपका इसका नाम होगा जल शक्ति अभियान। देखिए, जल संरक्षण में नागरिक भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए, नागरिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए और जल का संचयन और संरक्षण करने के लिए और जल को कैसे पुनरुपयोग में लाया जा सकता है परेशानी के समयों में, इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जल शक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जल शक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण, जल का पुनरुपयोग और जल को सुरक्षित रखना और गहन वनीकरण भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इस मिशन का नाम है जल शक्ति अभियान। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं रटलो सीरीज के। अभी हाल ही में 24 जुलाई 2019 को निम्न में से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुने गए? आप अच्छे से जानते हैं कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे द्वारा एक विवाद में फंसने के कारण इस्तीफा दे दिया गया और उस स्थिति में बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, चुना किया। और बोरिस जॉनसन जो है वो लंदन के मेयर भी थे और पूर्व विदेश सचिव भी रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन और उनको इस समय जो है प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुना गया। ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, मीडिया स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, बताइए। तो मीडिया स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक जो सम्मेलन था वो लंदन में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया? लंदन में आयोजित किया गया, ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया। क्लियर? हाँ,
इसका प्रमुख उद्देश्य था मीडिया स्वतंत्रता को वैश्विक पहल, मतलब विश्व में कहीं की भी मीडिया हो, है ना, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, उनके स्वतंत्रता के दायरे निश्चित करें, निश्चित रहे, इस वैश्विक पहल के लिए इस सम्मेलन का आयोजित किया गया। और ये अपने तरह का मीडिया स्वतंत्रता का पहला सम्मेलन था, इसका पहला क्रम था, इसका आयोजन लंदन में हुआ। आइए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, बहुत सारे लोग यूनेस्को का हिंदी में नाम नहीं जानते, जबकि इसको एक बार पूछा भी जा चुका है। तो यूनेस्को को हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। इसका 43वां सत्र या 43वीं बैठक का आयोजन हुआ वाकू में। तो वाकू तो स्थान का नाम था, और वाकू को हम लोग जानते हैं अजरबैजान देश। वाकू कहां पे है? अजरबैजान देश में है। अजरबैजान देश में है वाकू नामक स्थान, जहां पर इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ। और यहां पर इस वर्ष के आयोजन में 29 नए स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये भी आपको याद रखना है, 29 नए स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। कुल स्थलों की संख्या अब 1121 हो गई है। इन 29 को शामिल करके कुल स्थलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 1121 हो गई है। इन 29 स्थलों में भारत में से भी एक स्थान था जयपुर, जिसको सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। इन 29 स्थलों में भारत का भी एक स्थान था जयपुर, जिसको सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, अभी हाल ही में किस देश ने प्लेन टिकटों पर पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? देखिए, पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के नए मानक को दायरे को स्थापित करने के लिए फ्रांस सरकार द्वारा, फ्रांस देश द्वारा प्लेन टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई। प्लेन टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई। तो प्लेन टिकटों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन टैक्स लगाने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बना, और इसने अन्य देशों के समक्ष बेहतरीन उदाहरण को प्रस्तुत किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में पृथ्वी की निम्न कक्षा LOE, आप सभी जानते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में एक उपग्रह को ध्वस्त किया गया। इस मिशन का नाम क्या था, आप जानते हैं, मिशन शक्ति। ये मार्च की बात है, चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था, आप जानते हैं, और उन्होंने इस मिशन शक्ति की घोषणा की थी। तो मिशन शक्ति इसका नाम है। आप लोग अच्छे से इस स्थल के बारे मतलब DRDO द्वारा किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर से, और हम सब लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अगला प्रश्न है सातवां। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन जी, अभिनंदन एक जाना पहचाना नाम रहे हैं, 2019 में आप सभी लोग जानते हैं अभिनंदन, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया था, कौन से विमान के चालक थे? आप जानते हैं कि अभिनंदन के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हवा के बहाव के कारण जब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो ये पाकिस्तानी सीमा में चले गए, और पाकिस्तान को फिर हमारी विदेश नीति ने और एक सशस्त्र प्लानिंग ने पाकिस्तान से इनको वापस सुरक्षित निकाला, और ये MiG-21 नामक जो है विमान चला रहे थे। आज ये भारत के गौरव है और युवाओं के लिए प्रेरणा है। MiG-20 नामक विमान के चालक थे। आइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में किस राज्य को स्वच्छ, सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? झारखंड, गर्व की बात है, झारखंड सबसे स्वच्छ राज्य। इंदौर जो है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। आइए चलिए 9वां प्रश्न है आपका। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? देखिए, ये कल शाम की बात है और भारत के लिए गौरव का क्षण रहा, स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया कल, है ना, फाइनल था। और पीवी सिंधु, जो कि पहले से ही ओलंपिक रजत पदक विजेता है, पीवी सिंधु या संधु भी इनका नाम है, पीवी सिंधु या संधु दोनों लिखा जाता है, और इन्होंने
यहां पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती 2019 स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। कल इसका फाइनल था। देर शाम भारत को गौरवान्वित होने वाली ये खबर मिली। ये पहले से ही रजत पदक विजेता है और इन्होंने जापान की महिला खिलाड़ी किसको हरा कर जीता, अगर आपसे पूछा जाए तो जापान की नोजोमी ओकुहारा, जापान की नोजोमी ओकुहारा, नोजोमी ओकुहारा को हरा कर इस खिताब पर कब्जा किया। यह खिताब जीतने वाली यह भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। आइए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य, मैंने 15वीं वन रिपोर्ट आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। हृदय प्रदेश कहा जाता है, टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। नई बाघ स्थिति रिपोर्ट में आप सभी को मालूम है कि बाघों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कल मैंने उन आंकड़ों को डिस्कस किया था। और बाघ प्रदेश भी कहा जाता है भारत का। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य। 11वां, अभी हाल ही में WHO द्वारा किस देश को गंभीर संक्रमण खसरा से पूर्णतः मुक्त घोषित किया गया, श्रीलंका को। श्रीलंका में ये एक संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है खसरा। 2016 के बाद श्रीलंका में इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया, तो WHO ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके श्रीलंका को खसरा से पूर्णतः मुक्त देश घोषित किया है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो खसरा है ये रूबेला संक्रमण द्वारा फैलता है। रूबेला एक वायरस है और रूबेला वायरस द्वारा ये संक्रमण फैलता है, जो आपका ये है। क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रूबेला जो है वायरस के दौरान फैलता है। आइए, श्रीलंका इसका उत्तर है। 9वें सार्क फिल्म महोत्सव, सार्क फिल्म महोत्सव में जितने भी सार्क देश हैं उन सभी लोगों की जो रचनाएं हैं, उन सभी के जो साल भर में उन्होंने काम किया है संगीत कला और फिल्म के क्षेत्र में, उनको शामिल किया जाता है। इस बार 9वें सार्क फिल्म महोत्सव का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। कहां किया गया? श्रीलंका के कोलंबो में। और यहां पर किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? नगर कीर्तन। नगर कीर्तन भारतीय फिल्म इसकी धूम रही और यहां पर इन्होंने चार अवार्ड को जीता। क्लियर? रिद्धि सेन नगर कीर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। क्लियर? कौशक गांगुली नगर कीर्तन के लिए सबसे अच्छे निर्देशक चुने गए। और सर्वाधिक संगीतकार, सबसे अच्छे संगीतकार का जो खिताब था वो भी नगर कीर्तन को मिला, प्रबुद्ध बनर्जी जी द्वारा। हाँ, प्रबुद्ध बनर्जी जो है सर्वश्रेष्ठ संगीतकार चुने गए, रिद्धि सेन सर्वश्रेष्ठ क्या चुने गए? अभिनेता चुने गए। आइए 13वां प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा अभी 3 पश्चिमी देशों की यात्रा की गई 28 जुलाई से, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। हाँ, 3 अगस्त के बीच। निम्न में से कौन सा देश उनकी यात्रा में शामिल नहीं था? देखिए, वेनिन शामिल था, गाम्बिया शामिल था, गिनी शामिल था, जिबूती उनकी यात्रा में शामिल नहीं था। तो 3 जो उन्होंने देशों की यात्रा की, हाँ, अभी अभी पश्चिमी देशों की यात्रा की, जिबूती उसमें शामिल नहीं है। भौगोलिक स्थिति से भी हम इस उत्तर को दे सकते हैं कि जिबूती उसमें शामिल नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर 14वां प्रश्न आपके सामने है। भारत सरकार द्वारा किस बैंक को हाल ही में SFB, पहले तो SFB का फुल फॉर्म समझ लीजिए। जब हम किसी बैंक को SFB में बैंक के रूप में बदलते हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलते हैं तो उसके पास कुछ और क्षमता हो जाती है। इसका मतलब जब तक कोई बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है वो ऋण प्रदान नहीं कर सकता। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद ऋण प्रदान करने की शक्ति बढ़ जाती है, अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से छोटे ऋण प्रदान किए जा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, IPPB इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक, डाकखाने से जो बैंक संबंधित है, मैं शुद्ध भाषा में बताऊं, डाकखाना अब एक बैंक के रूप में विकसित हो रहा है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इसको SFB में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया। इससे ये फायदा होगा कि डाकखाने की पहुंच संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों तक है और अगर यह बैंक ऋण प्रदान करने की शक्ति इनको मिल जाती है इसमें कन्वर्ट होने के बाद, तो बहुत सारे जरूरतमंदों का क्या किया जा सकता है कि उनको इससे लाभ पहुंचाया जा सकता है और बैंक की रीच, जो समावेशन है, बैंकिंग समावेशन, उसके लक्ष्य को पूरा करते हुए बैंक को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। आइए 15वां प्रश्न है आपका।
ब्रांड फाइनेंस द्वारा, ब्रांड फाइनेंस ये देख लीजिए, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट जो है, हाँ ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया। मैंने आपको इसको पढ़ाया भी, आप लोग इसका उत्तर जल्दी से करें कि बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा टाटा। लगातार दो वर्षों से सबसे मूल्यवान ब्रांड जोन कौन है बताइए, टाटा बना हुआ है। इस वर्ष भी टाटा जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में आया है। एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, हाँ कि ये जो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो सूची जारी की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन से है और लंदन से इस जो सूची आई है इसमें टाटा सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। आइए 16वें प्रश्न की तरफ आप बढ़ लीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में पॉस्को, पॉस्को आप सभी लोग जानते हैं, पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज होने पर जिले में कितने केस पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां पर एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा 100। अगर किसी जिले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, अगर किसी जिले में 100 केस पॉस्को के दर्ज हो गए तो वहां पर एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा इसके लिए और इसकी सुनवाई की जाएगी। तो ये जो मिनिमम जो आपकी संख्या रखी गई है, क्या रखी गई है, 100। ये अर्हता है कोड विकसित करने की। आइए 17वां प्रश्न। हाल ही में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी, मतलब उस देश की गृह मंत्री बनी और ये है भारत की। तो 17वें प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा बताइए, तो हमारा सही उत्तर होगा ब्रिटेन। भारतीय मूल की प्रीति पटेल को ब्रिटेन ने अपना, हाँ क्या, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर नियुक्त किया है। क्लियर, सुचारू रूप से श्रृंखलाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं यूपीएसआई बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं सर यूपीएसआई बैच में एडमिशन कैसे लें, मैं पहले भी बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नंबर पर फोन करके अपने एडमिशन को सुरक्षित करा सकते हैं। आइए 18वां, विश्व भर में प्रसिद्ध किस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो बताइए मकराना का संगमरमर कहां मिलता है। नाम से ही स्पष्ट आपको होना चाहिए कि मकराना का मकराना मतलब राजस्थान, कहां पे मिलता है, राजस्थान। तो किस राज्य के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, मकराना के संगमरमर को, जो कि राजस्थान की विरासत है। आइए आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को भारतीय पुरातत्व संग्रहालयों के डिजिटलीकरण, देखिए भारतीय पुरातत्व में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली अमूल वस्तुएं रखी हुई हैं जिनसे हमारी संस्कृति गौरवान्वित है और हम वर्षों वर्ष पुरानी सभ्यता होने का दावा करते हैं और हम संस्कृति की मदर होने का दावा करते हैं, उन सबको नेट डिजिटलीकरण, अब उन संग्रहालयों का डिजिटलीकरण एक अलग तरीके से किया जा सके, तो इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर को भारतीय पुरातत्व संग्रहालयों के डिजिटलीकरण करने के लिए विकसित किया गया, इसका नाम है जतन। क्लियर, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संग्रहालयों के डिजिटलीकरण करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है वो क्या है, जतन। अब आप डिजिटली रूप में सारे संग्रहालयों की जानकारी रख सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। आइए 20वां प्रश्न, किताब है, बार बार बताता हूं फिर देख लीजिए, 9452275777, 9452275777, इस नंबर को व्हाट्सएप पे या तो वो कर लीजिए, सेव कर लीजिए, बुक लिख के भेज दीजिए या कॉल कर लीजिए, हर वीडियो में इसकी जानकारी दी गई है। आइए चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, मिशन के तहत भेजा गया लैंडर चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा, 7 सितंबर 2019 को, 7 सितंबर 2019 को ये उतरेगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 2019। आइए 21वां, निम्नलिखित में से किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, जस्टिस पिनाकी चंद घोष को, पीसी घोष, कंफ्यूज मत होइएगा, 3 बार ये प्रश्न हल करा चुका हूं फिर भी आप लोग गलत मत करिएगा, पिनाकी चंद घोष जी को। आइए 22वां प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, देखिए ये इसका सही उत्तर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की टीम एक समय में एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर के समय में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती थी, आप लोग जानते हैं कि जिम्बाब्वे ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, लेकिन आईसीसी के गवर्निंग काउंसिलिंग के अपने नियम है कि
किसी देश की सरकार अगर सीधे हस्तक्षेप करती है उसके बोर्ड में तो ये आईसीसी नियमों के खिलाफ है। रॉबर्ट मुगाबे की जब से सरकार जिम्बाब्वे में थी, जब से उनका बोर्ड में हस्तक्षेप चल रहा था, इसी कारण आईसीसी ने निर्णय लिया है कि जिम्बाब्वे को आईसीसी के क्रिकेट बोर्ड से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और अभी इस पर कई बात चल रही है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, जिम्बाब्वे है। इस बार जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं थी। निम्नलिखित में से किस देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया, जॉर्डन। जॉर्डन ने, हाँ जॉर्डन इसका सही उत्तर है, जॉर्डन ने पहला विश्व का अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया है। क्लियर है, आइए 24वां प्रश्न। 64 में फिल्म फेयर अवार्ड्स, हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसे चुना गया, राजी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में राजी, और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया, आलिया भट्ट। इन पुरस्कारों का आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया गया और जहां पर राजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। आइए 25वां प्रश्न। हाल ही में कौन भारत का 64वां शतरंज ग्रांड मास्टर बना, पर्थ पृथु गुप्ता, ये भारत के 64वें शतरंज के ग्रांड मास्टर बने, ध्यान रखिएगा, पृथु गुप्ता बहुत बढ़िया शतरंज खिलाड़ी है पृथ्वी जी। किस देश के वैज्ञानिकों ने जूट फाइबर को कम लागत वाले जैव क्षरण योग सेल्युलोज शीट में बदलने हेतु सोनाली नामक एक विधि को विकसित किया, फिर से पढ़िए। सबसे पहले तो आप इस नाम को याद रखिएगा, ये साइंस एंड टेक से आपका क्वेश्चन करंट से जुड़ जाए। सोनाली क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सोनाली क्या है, तो सोनाली एक विधि है, किससे संबंधित है, जूट फाइबर को कम लागत वाले जैव क्षरण योग्य सेल्युलोज शीट में बदलने हेतु, है ना, इस विधि को। अब आपको याद रखना है कि इस विधि को किस देश द्वारा विकसित किया गया, तो 26वें पर का सही उत्तर होगा बांग्लादेश द्वारा, बांग्लादेश द्वारा, हाँ इस विधि को विकसित किया गया। आइए 27वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में रूस के साथ एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने के लिए ₹1500 करोड़ का समझौता किया। भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल रूस के साथ 1500 करोड़ का समझौता किया एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने के लिए, और इस मिसाइल का नाम क्या है, तो आप उत्तर करेंगे, इस मिसाइल का नाम है R-27 मिसाइल। क्या नाम है, R-27 मिसाइल। तो R-27 मिसाइल क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है, एक बात। और किस किस देश की मिसाइल है, रूस की, भारतीय वायुसेना ने समझौता किया है। रूस हमारा इस समय सामरिक मामलों में एक अच्छा पड़ोसी है और मित्र देश है जो हमेशा हमारी मदद के लिए तत्पर रहता है। ये बदली हुई विदेश नीति के कुछ मायने हैं जिनको कि आप लगातार देख पा रहे हैं। आइए, बीसीसीआई में निम्न में से किस पूर्व भारतीय कप्तान को बेंगलुरु स्थित क्रिकेट अकादमी का क्रिकेट प्रमुख नियुक्त किया, भारत के द वॉल राहुल द्रविड़ को, इनको द वॉल कहा जाता है, महानतम टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट कप्तान, टेस्ट बल्लेबाज, वनडे बल्लेबाज, और इन्होंने हर खेल के हर भाग में इन्होंने अपनी उपयोगिता को और एक जो है दृढ़ता की मिसाल को पेश किया, राहुल द्रविड़ को बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया, कर्नाटक का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की, हाँ एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न है और इनके नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा था, बताइए, बताएं। 29वें प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने भारत रत्न एस विश्वेश्वरैया के नाम पर, ये नाम बड़े बड़े लोग नहीं ले पाते, आप लोग समझ रहे हैं, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की थी, और जो है ये जो है ऐसा करने वाला राज्य कौन था, कर्नाटक था। आइए 30वां, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की गई, हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत करने वाला दिल्ली, हाँ दिल्ली के स्कूलों में की गई, दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है और ये जो है समस्त भारतीय राज्यों के लिए एक उदाहरण है, उन्होंने शानदार मॉडल स्कूल तो विकसित किए ही हैं और बच्चों की शिक्षा को वो एक नए लेवल तक लेके गए हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, बताइए, दिल्ली होगा। आइए, हाल ही में किसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताए,
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 31वें प्रश्न का उत्तर आप बता दीजिए, दिनेश सिंह सेंगर साहब को। कौन? दिनेश सिंह सेंगर साहब। लगातार आप लोगों को मैं देखता हूं कि आप लोग मोटिवेटेड हैं, लगातार जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पर्सनल बातचीत भी करते हैं। पर्सनल बातचीत से थोड़ा सा आप लोग बचें, और ये करंट जब आप एक बार लिख लेंगे कमेंट में, देख लेंगे सकारात्मक रूप से, तो ये हमेशा आपके लिए काम होगा। मैं आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं हमेशा जो है सकारात्मक रूप से इन चीजों को अवॉइड करता हूं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दिया करें। आइए, हाल ही में किसे भारतीय, ये प्रश्न हो चुका है, दिनेश सिंह सेंगर। 32वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता लेडीज ओपन लुसाने 2019, लेडीज ओपन लुसाने 2019 के एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, कोई भी खिलाड़ी का जब आप नाम याद रखते हैं तो आपको उसका देश जरूर याद रखना है ना, और इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ इसको भी आपको याद रखना है। ये दो प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते हैं, तो अगर हम लोग देखें 32वें प्रश्न का सही उत्तर आपका, तो पहले तो देखिए कि इस प्रतियोगिता का जो है आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। लुसाने ओपन जो लेडीज ओपन, इसका आयोजन कहां हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये है कि इसका जो उत्तर आपका क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा फियोना फेरो, ये फ्रांस की है। इसका सही उत्तर होगा क्या? डी। और ये कहां की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी? ये फ्रांस की महिला खिलाड़ी है, आप लोग इसको याद रखिए। आइए 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? बिहार। ये बिहार के लिए थोड़ा सा जो है विचारणीय प्रश्न है और विचारणीय बात है कि स्वास्थ्य रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान कहां प्राप्त हुआ? बिहार को। और जो है इस बारे में बिहार को अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है, अच्छा करने की जरूरत है। आइए 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में लॉन्च हुई उत्कर्ष 2022 किसकी पहल है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है, आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की पहल है। क्यों? उत्कर्ष 22 का मतलब है कि जितनी भी संस्थाएं रिजर्व बैंक से जुड़ी हैं और जो व्यक्ति जुड़े हैं, इनके जुड़ाव में, इनके संबंधों में जवाबदेहता, जवाबदेहता का समावेश करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के भाव को देखने के लिए, पारदर्शिता के भाव को देखने के लिए उत्कर्ष 2022 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो है क्या है, नेचर है, आरबीआई का नेचर है। आइए 35वां, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट और 1000 रन? देखिए, पुरुष क्रिकेटरों की तो हम लोग बहुत सारी बातें याद रखते हैं, लेकिन महिला क्रिकेटरों की यहां पे बात हो रही है, तो हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई, बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा एलिस पेरी। और एलिस पेरी कहाँ की खिलाड़ी है, किस देश की? तो आप कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है और एक गजब की ऑलराउंडर है। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतिनिधित्व करती है और एक बहुत बढ़िया गजब की ऑलराउंडर है, जिन्होंने एक उपलब्धि हासिल की T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, इन्होंने अपने 100 विकेट भी पूरे किए और 1000 रनों को भी पूरा किया, ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सप्लोप्लेट सर्विस सैटेलाइट द्वारा खोजे गए इस बौने तारे और ग्रहणीय प्रणाली का नाम क्या रखा? बौने तारे, देखिए नासा ने अपनी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा एक बौने तारे को खोजा या ग्रह को खोजा, इस ग्रहणीय प्रणाली का नाम उन्होंने क्या रखा, आप बताइए? साइंस टेक से जुड़ा हुआ आपका करंट है, 36वां पहना है प्रश्न है, तो इसका नाम उन्होंने रखा TOI 270। अगर आपसे पूछा जाए TOI 270 क्या है, तो ये नासा द्वारा खोजा गया एक बौना ग्रह है, बौना ग्रह है जिसे नासा ने हाल ही में खोजा, ये अंतरराष्ट्रीय करंट का हिस्सा। 37वां, यूएस ट्रेजरी अधिकारी डेविड मालपास को किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसको तो आप बताइए कि डेविड मालपास को कहां का अंतरराष्ट्रीय, तो इनको विश्व बैंक का क्या नियुक्त किया गया, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया डेविड मालपास जी को। क्लियर है? 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में
इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 313 को कहां आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। देखिए तो ये जो है मीनामकम ये तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में चेन्नई का एक क्षेत्र है। चेन्नई को तो हम जानते हैं, चेन्नई का एक क्षेत्र है मीनामकम, क्लियर। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि INAS 313 क्या है, तो ये जो है नेवल एयर स्क्वाड्रन है जो हमेशा हमेशा अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, क्लियर। हाँ, मीनामकम में समारोह था। 39वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता क्रोशियाई ओपन उमान का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब की बात कर रहे हैं, किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा आपका दुसान लाजोविक इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके मुझको ये बता दीजिए कि जो दुसान लाजोविक साथ थे ये कहां के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा खिलाड़ियों का नाम, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। क्रोशियाई ओपन इन्होंने जीता उमान। 31वां बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडोनेशियाई ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता? अब देखिए अभी जो है इसमें गलती नहीं करनी है। महिला ओपन का खिलाफ यहां पे देखिए पीवी सिंधु भी हैं और नाजोमी ओकुहारा भी हैं। अभी मैंने आपको वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कुछ देर पहले बताई और वहां पर एक प्रतिद्वंदी थे स्विट्जरलैंड में, पीवी सिंधु ने जीता। लेकिन ये प्रश्न दूसरा है, आपसे पूछा गया है बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडोनेशियाई ओपन का खिताब किसने जीता? तो इंडोनेशियाई ओपन का खिताब जीता अकाने यामागुची ने, और ये भी जापान की महिला है, जापान की खिलाड़ी, क्लियर, जापान की खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने 2020 में होने वाले संयुक्त वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को सौंपी, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने 2020 में होने वाले संयुक्त वर्ल्ड कप तो इसकी मेजबानी सौंपी, तो भारत में इसका आयोजन कहां किया जाएगा? 41वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है, बताइए। तो इसका आयोजन किया जाएगा राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। 42वां प्रश्न इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? देखिए इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा महारथी रहा है और सामरिक क्षेत्रों में उसके योगदान बहुत जबरदस्त है और उसके इन्वेंशन भी बहुत जबरदस्त है। तो एक भारतीय सेना के साथ इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? समझौता किया है। आपको उत्तर देना है कि वो कौन सी भारतीय सेना है, तो भारतीय नौसेना के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है ना, भारतीय नौसेना के साथ। 43वां प्रश्न, भारतीय वनस्पति शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक रक्त श्रावित वृत्त की प्रजाति ड्रेकना कैम्बोडियाना की खोज की? पहले तो यह समझ लीजिए साइंस से जुड़ा है। देखिए ड्रेकना कैम्बोडियाना ये क्या है? तो आप समझ लीजिए एक रक्त स्त्रावित वृक्ष की प्रजाति है। क्या है? रक्त स्त्रावित वृक्ष की प्रजाति है। फिर आपसे पूछा गया कि किस राज्य में इसकी खोज की गई, तो आपका 43वें का सही उत्तर होगा किस राज्य में, तो असम राज्य में इसकी खोज की गई। आप थोड़ा सा देखिए किस राज्य में इसकी खोज की गई, असम राज्य में इसकी खोज की गई। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 कहां आयोजित हुआ? लखनऊ। कहां आयोजित हुआ? लखनऊ, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में आयोजित हुआ। 45वां, निम्नलिखित में से किसे देश का नया गृह सचिव बनाया गया? नए गृह सचिव देश के अभी हाल ही में बने हैं होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नए गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी को नियुक्ति है। अजय कुमार भल्ला जी को देश का नया गृह सचिव बनाया गया। 46वां, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने TB और मलेरिया का पता लगाने के लिए डिवाइस बनाया? ये प्रश्न मैं दो बार इससे पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं और आपको हल भी करा चुका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके नाम पढ़ूं, इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग दीजिए। प्रश्न है किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने, बताइए किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने टीबी और मलेरिया की वैक्सीन का पता लगाने के लिए डिवाइस बनाई है? बताइए दिल्ली आईआईटी। अभी मैंने बताया था परसों की सर्वश्रेष्ठ IIT का खिताब किसको दिया गया है, आपको याद है?
हाँ उत्तर करें। भारत हाल ही में भारतीय सेना ने किस नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज भारतीय सेना द्वारा केवल 40 दिनों में इसको तैयार कर दिया गया। ये अभूतपूर्व उपलब्धि थी भारतीय सेना की, है ना। तो आप बताइए, इस प्रश्न को भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। किस बताइए कहां पे बनाया गया, किस नदी पर? सिंधु नदी पे बनाया गया। कहां पे? सिंधु नदी पर। अब आप लोग उत्तर कर दे कहां बनाया गया, सिंधु नदी पर कहां बनाया गया, उत्तर करिए। तब तक मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं, डिस्कस कर चुका हूं आपसे। 48वां प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद 8 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? पृथ्वी शॉ को। किसको? पृथ्वी शॉ को। हाँ, ये दवाओं के माध्यम से जो गलत दवा लेने का इनको दोषी पाया गया, और जब गलत दवाओं लेने का दोषी, हालांकि इन्होंने कहा अपने बयान में कि हमें जानकारी नहीं थी कि वो दवा ड्रग्स के कार्य क्षेत्र में आती है, तो 8 महीने का प्रतिबंध लगाया गया ताकि नए खिलाड़ियों के सामने एक उदाहरण जो है पेश किया जा सके। हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता हॉल ऑफ फेम ओपन 2019 के एकल विजेता का खिताब किसने जीता? आप बताइए। तो एकल विजेता का खिताब आप बताइए किसने जीता, तो इसका उत्तर होगा जॉन इस्सर। जॉन इस्सर। 50वां प्रश्न देखिए, फिर महत्वपूर्ण एक सूचना, डे ऑफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहां किया गया? क्लियर, कहां किया जाएगा 2020 का? तो ये लखनऊ में आयोजित होगा। हाँ, रक्षा प्रतिरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? लखनऊ में। मैं बार बार कह रहा हूं, संस्था में यूपीएसआई का बैच चल रहा है, जो भी सदस्य हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी बेहतरीन तरीके से जय हिंद बोलना चाहते हैं, आपकी वर्दी का सपना आपका, आइए। एक बहुत बेहतरीन तरीके से बैच चल रहा है प्रवेश लेने के लिए, यूपीएसआई एंट्री लिखें, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, आप हमारे बैच से जुड़ जाएंगे और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। क्लियर, डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर्स हैं, संस्थान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप फोन पर भी बात करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आज संस्थान की तरफ से, मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, सकारात्मक कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप कहां से हम लोगों को देख रहे हैं, कहां कहां से आप देख रहे हैं और आपको ये क्लासेज कैसे लग रहे हैं। अगले रटलू श्रृंखला के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। टारगेट ब्रिताल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।